एक बार शनि ने शिव से कहा, हे प्रभु, आप तो इतने शांत और सौम्य हो कि आपको क्रोध करना आता ही नहीं, फिर क्या कारण है कि गंगा जी से आपका झगड़ा क्यों हुआ? शिव ने कहा, सुनो शनि, जब 64,000 राजकुमार कबील ऋषि के शाप से भस्म हो गए तो उनके उद्धार का कोई उपाय ना मिला। फिर भागीरथ ने 1,000 साल तपस्या करके गंगा जी को पृथ्वी लोक पर आने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन गंगा ने कहा, मेरा भाव बहुत तेज है, यदि मैं स्वर्ग से नीचे आई तो पृथ्वी सातल लोक में चली जाएगी। तो शिव ने कहा कि तू मेरी जटा में आ जा, फिर पृथ्वी लोक पर चली जाना। गंगा ने कहा, हे शिव बाबा, मैं पृथ्वी लोक पर नहीं आऊंगी, क्योंकि पृथ्वी लोक पर तो बहुत पापी हैं जो मुझ में नहाएंगे तो मेरी उज्जवल धारा गंदी हो जाएगी। फिर गंगा ने कहा, मैं नहीं आऊंगी, और शिव से झगड़ने लगी। बोली, जो बेटी के घर का खाओगे वो भी मुझ में नहाएंगे, जिससे मैं अपवित्र हो जाऊंगी। पापी और जुआरी नहाएंगे, मेरी सवच धारा गंदी हो जाएगी, तो मैं पृथ्वी लोक पर क्यों आऊं? शिव ने कहा, सुन गंगा, महात्मा और तपस्वी आएंगे, वो भी तुझ में नहाएंगे, जिससे तेरी धारा उज्जवल हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी, इसलिए तू पृथ्वी लोक पर आ जा। गंगा ने कहा, चोर और खूनी आएंगे, वो भी मुझ में नहाएंगे। बोली, मैं गंदी हो जाऊंगी। यह कहकर गंगा ने मना कर दिया। शिव ने कहा, सुन गंगे, तेरे में शनि भक्त भी नहाएंगे और मेरे भक्त भी नहाएंगे, उससे तेरा जल निर्मल हो जाएगा। यह सुनकर गंगा बोली कि चोर और मांसाहारी और शराबी आएंगे जो नरक में जाने योग्य है, फिर मैं कहाँ जाऊंगी, उनका स्पर्श भी दुखदाई है। यह सुनकर भोले बाबा विचलित हो गए। गंगा तो स्वर्ग की नदी है, वह इस कलयुग में इतने पापी मनुष्यों में कैसे आएगी? वह गंगा को मनाने लगे। बोले, गंगे, यदि तू ना आई तो 64,000 राजकुमारों का उद्धार कैसे होगा? तेरी तपस्या में इनकी 3 पीढ़ी समाप्त हो चुकी है, तेरे सिवा इनका उद्धार कोई नहीं कर सकता। इनकी अस्थियों से एक पहाड़ सा खड़ा हो गया है, तुझे पृथ्वी पर आना पड़ेगा। शिव ने कहा, जो विष्णु भक्त होंगे, भागवत गीता रामायण पढ़ने वाले होंगे, हर समय राम राम करते होंगे, जिसके चरणों की धूलि से सब कुछ पवित्र हो जाता है, उनके चरणों की धूलि तो देवताओं को भी दुर्लभ है। शिव ने कहा कि कलयुग में पृथ्वी लोक पर प्रह्लाद जैसे भक्त होंगे, जिसने 5 वर्ष की आयु में विष्णु भगवान को खुश कर दिया और विष्णु भगवान ने स्वयं जाकर पूछा कि तुझे क्या चाहिए, तो प्रह्लाद ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आपके चरणों का सहारा चाहिए। तब भगवान ने खुश होकर उसे सारे पृथ्वी का राज दे दिया और उसके पिता हिरण्यकश्यप को वैकुंठ का धाम दे दिया। उसका पिता था तो राक्षस, लेकिन प्रह्लाद के कारण वह भी पार हो गया कि उसे वैकुंठ का वास मिला। ऐसे भक्तों का दर्शन करना भी दुर्लभ है, वह तेरी भी तपस्या करेंगे, तेरे किनारे पर आकर तेरी पूजा करेंगे, उनसे मिलने के लिए विष्णु भगवान भी आएंगे, जो दुर्लभ पद ऋषियों को भी नहीं मिलता। विष्णु भगवान के दर्शन हजारों साल की तपस्या के बाद भी नहीं होते, वह तुझे सहज ही मिल जाएंगे। बोले, गंगे, तुझे और क्या चाहिए? गंगा ने कहा, बस मुझे आपके चरणों की भक्ति, श्री कृष्ण का दर्शन और भक्त जो मुझ में स्नान करे, यही चाहिए। और एक और वरदान मुझे चाहिए कि मेरा जल कभी ना सूखे और मेरे जल में हमेशा ताजगी रहे और अमृत के समान रहे, कभी समाप्त ना हो। शिव ने कहा से गंगा की सारी बात मान ली
और गंगा जल अमृत के समान हो गया, जो कभी खराब नहीं होता। हर एक पूजा पाठ में गंगा जल ही इस्तेमाल होता है और अंत समय में जो गंगा जल का सेवन करता है वह भी पार उतर जाता है। शिव ने कहा, हे शनि, इतना कहकर गंगा पृथ्वी पर आ गई। गंगा तो वैतरणी भी कहते हैं, जिसका अर्थ है पार करने वाली। पृथ्वी लोक पर आकर गंगा ने सब राजकुमारों का उद्धार कर दिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।